हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग को महावीर स्वामी के बारे में बताऊंगा जो जैन धर्म से संबंधित हैं। तो आइए हम महावीर स्वामी के बारे में पढ़ते हैं। महावीर स्वामी 599 से 527 ईस्वी पूर्व जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? 599 ईस्वी पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में। महावीर स्वामी के पिता का नाम था सिद्धार्थ। महावीर स्वामी के माता का नाम था त्रिशला। महावीर स्वामी के पत्नी का नाम था यशोदा। महावीर स्वामी के पुत्री का नाम था अनुज्ञा प्रियदर्शनी। महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान। महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ था जृम्भिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे। महावीर ने अपना प्रथम उपदेश किस भाषा में दिया था? प्राकृत अर्धमगधी भाषा में। महावीर के प्रथम अनुयायी थे जमाली, जो उनके दामाद थे। प्रथम जैन भिक्षुणी थी चंपा, नरेश दधिवाह की पुत्री। महावीर की मृत्यु हुई थी 527 ईस्वी पूर्व के लगभग 72 वर्ष की आयु में बिहार राज्य के पावापुरी राजगृह में। जैन धर्म विभाजित किया गया दो भागों में। पहला श्वेतांबर, जो श्वेत कपड़े पहनते हैं, दिगंबर, जो एकदम नग्नावस्था में रहते हैं। पहली जैन सभा हुई 322 ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्र में। 322 ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्र में दूसरी जैन सभा हुई 512 ईस्वी पूर्व वल्लभी गुजरात में। तो दोस्तों, इस तरह से हमने आपको महावीर स्वामी के बारे में बता दिया है जो जैन धर्म से संबंधित थे। तो दोस्तों, यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। हमारे यूट्यूब चैनल पे आप कमेंट करके हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। फ्रेंड्स, इसी तरह से मैं वीडियो आप लोग के लिए बनाता रहूँगा। आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। धन्यवाद दोस्तों।